आज हम लोग यूजीसी नेट पेपर के जो भी इकोनॉमिक्स थे, ठीक है, इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन थे, क्योंकि जो क्वेश्चन कंसेप्ट से रिलेटेड है वो क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली आप कंसेप्ट जो भी चैप्टर आप पढ़े वहाँ से आप सॉल्यूशन पता कर लेंगे, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको सॉल्व करना आपके लिए डिफिकल्ट होता है। इसलिए आज हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन है। यहाँ पर क्या, गिवन द फॉलोइंग टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट डिमांड फंक्शन ऑफ अ फर्म, फाइंड द प्राइस एट विच प्रॉफिट वुड बी मैक्सिमाइज। तो आपको ऐसा प्राइस डिटरमिन करना है, फाइंड करना है, जिसमें प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज्ड होगा, ठीक है। तो मैंने पढ़ाया हुआ है और इस टाइप के मैंने और भी क्वेश्चंस पहले भी बताए हैं। तो देखिए मैं बताती हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, आप देखिए टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है और प्राइस गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, टोटल कॉस्ट एंड प्राइस, टोटल कॉस्ट एंड प्राइस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए टोटल कॉस्ट में ये गिवन है। आपको क्या करना है, आपको एक चीज पता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज अगर हमें करना है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए आपको क्या चाहिए, एम आर इक्वल टू एम सी चाहिए। क्या चाहिए आपको, एम आर इक्वल टू एम सी चाहिए प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए। तो आपको क्या निकालना होगा, टोटल कॉस्ट है, आपको निकालना होगा मार्जिनल कॉस्ट, प्राइस गिवन है, आपको क्या निकालना होगा, मार्जिनल रेवेन्यू। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आपको मान लीजिए आपको टोटल रेवेन्यू निकालना है। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, ठीक है। अब देखिए प्राइस का गिवन है, प्राइस गिवन है 100 माइनस 3Q, 100 माइनस 3Q, इसमें मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं क्यू को, ठीक है। मल्टीप्लाई हम लोग किसको कर दिए, क्यू को कर दिए, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, 100 माइनस 3Q में क्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या होगा, 100Q माइनस 3Q का स्क्वायर। ये हमारा क्या निकला, ये हमारा निकला टोटल रेवेन्यू। अब आपको यहां से क्या निकालना होगा, मार्जिनल रेवेन्यू। बहुत सिंपल है मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू अगर आपको निकालना है तो आपको डिफरेंशिएट करना होगा टोटल रेवेन्यू को। इसको आप डिफरेंशिएट करिए, देखिए मेरे साथ करते जाइए, आप लोगों को डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ाया है, कल परसों मैंने डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस भी मतलब 2 दिन पहले बताए थे, तो आपने वो भी किया था। देखिए ये क्या है, डिफरेंशिएशन करना है, टोटल रेवेन्यू कितना हमारा, 100Q माइनस 3Q का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, 100 माइनस, देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 6Q आएगा। तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कितना आया, 100 माइनस 6Q, ये हमारा क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू है। आपका मार्जिनल रेवेन्यू निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट गिवन है, आपको निकालना है मार्जिनल कॉस्ट। देखिए मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। अब आपको क्या निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट, तो आप टोटल कॉस्ट को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। देखिए डिफरेंशिएट किसको करेंगे, हम लोग टोटल कॉस्ट को करेंगे। तो टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, टोटल कॉस्ट क्या आपका 5, देखिए यहां पे मैं लिख रही हूं 5Q का स्क्वायर, ठीक है, 5Q का स्क्वायर प्लस 20Q प्लस 10, ये प्लस का साइन है, प्लस 10, ठीक है। आप इसको डिफरेंशिएट यहां पे करिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 5 इक्वल टू 5 प्लस 20, 5Q का स्क्वायर था यहाँ पे, 5Q सॉरी मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे 5Q का स्क्वायर था। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने से यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10Q प्लस 20, ये हमारा क्या निकला, मार्जिनल कॉस्ट निकला। देखिए मार्जिनल रेवेन्यू इतना आया, 100 माइनस 6Q, और मार्जिनल कॉस्ट कितना आया, 10Q प्लस 20।
अब आपको मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट मालूम चल चुका है, तो आप ये सिंपली इस फॉर्मूला में मतलब इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इस फॉर्मूला में आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा बहुत इजीली। देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड में क्या हो जाता है, मार्जिन रेवेन्यू के इक्वल टू मार्जिन कॉस्ट। जब भी आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइस निकालना है या फिर क्वांटिटी निकालना है, आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा, मार्जिन रेवेन्यू के बराबर मार्जिनल कॉस्ट निकालना होगा, तभी आपका प्रॉफिट क्या है मैक्सिमाइज आएगा। अब आप यहाँ पे देखिए मार्जिनल रेवेन्यू हमारा कितना है 100 माइनस 6Q, मार्जिनल कॉस्ट कितना है 10Q प्लस 20, तो आप इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं, इधर स्पेस नहीं है, MR इक्वल टू MC, ठीक है। मार्जिन रेवेन्यू कितना है हमारा यहाँ पे देखिए 100 माइनस 6Q, 100 माइनस 6Q इज इक्वल टू का साइन, मार्जिनल कॉस्ट कितना है 10Q प्लस 20, 10Q प्लस 20, ठीक है। अब देखिए 100 है यहाँ पर क्या 20, ये 20 यहाँ पे आ जाएगा 100, ये प्लस 20 इधर आ गया तो क्या हो गया माइनस 20, और ये देखिए 10Q, ये माइनस 6Q इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 6Q, ठीक है। यहाँ पे कितना है 80 आया, इक्वल टू में यहाँ पे कितना आया बताइए 16Q, ठीक है, 80 इक्वल टू 16, 16Q। अब आप क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू 80 अपॉन 16। अब इसको आप फिर इसको आप कटिंग करिए, देखिए ये कितना आएगा 2 टाइम में, यहाँ पे आएगा 10, ठीक है, और उसके बाद इसको काट देंगे तो आ जाएगा 5। तो Q का वैल्यू आपका कितना आ गया, Q का वैल्यू आपका आया 5, लेकिन क्वेश्चन में Q नहीं पूछा गया, फाइंड द प्राइस एट विच प्रॉफिट वुड बी मैक्सिमाइज्ड। यहाँ पे तो आपको मैक्सिमाइज्ड क्वांटिटी आया, आपको क्या निकालना है प्राइस निकालना है, तो आप क्वेश्चन में जरा देख लीजिए कि P इज इक्वल टू 100 माइनस 3Q, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, इस वैल्यू में आप Q का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं P इज इक्वल टू कितना है 100 माइनस 3Q, ठीक है, 100 माइनस 3Q तो 100 माइनस 3, Q का वैल्यू कितना है अभी हम लोग ने निकाला 5 आया है, 5 यहाँ पे हम लिखेंगे 100 माइनस 15, ठीक है, 100 में से 15 घटा ये कितना आएगा 85, कितना है 85 आया। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 95, 1 में, 2 में है 85, 3 में 100, 4 में 5। तो हम लोग ने जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड प्राइस निकाला वो कितना है 85 आया, इसका आंसर हो जाएगा 85, आंसर इज 2, कितना आंसर है 2, ऑप्शन में 85 हमारा आंसर है। तो ये हमारा क्या था, हम लोग ने क्या निकाला इसमें, प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड प्राइस निकाला। इसकी बनाने के दो तरीके, एक TRTC अप्रोच है और ये है MRMC अप्रोच, तो दोनों अप्रोच से बनाइएगा तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो ठीक है, इसलिए इसको आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और ये इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, और इसका कोई दूसरा तरीका बस दो ही है, एक TRTC अप्रोच है और एक है MRMC अप्रोच, यही दो तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। TRTC से इजी MRMC था, ये शॉर्टकट में बहुत जल्दी बन जाता था इसलिए मैंने ये यूज़ किया, और भी क्वेश्चंस में करवा रही हूँ न्यूमेरिकल्स के, ठीक है। तो अब हम लोग का जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया कि व्हेन नॉमिनल GDP इज इतना गिवन है 11,000 करोड़ एंड रियल GDP आपका 10,000 गिवन है, ठीक है, तो आपको बताना है, आपको बताना है इसमें GDP डिफ्लेटर, ठीक है। तो मैंने ये फॉर्मूलाज मैंने करवाए हैं, ठीक है, मैं बता देती हूँ GDP डिफ्लेटर का फॉर्मूला, GDP डिफ्लेटर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नॉमिनल GDP, नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। तो GDP डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है,
नॉमिनल जीडीपी डिवाइड रियल जीडीपी मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए नॉमिनल कितना है हमारा 11,000। ठीक है, और अब हम बात करते हैं रियल, रियल हमारा कितना है 10,000 और मल्टीप्लाई में 100। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसका 30 खत्म, इसका 11 खत्म, तो कितना है हमारा 110 करोड़। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में देखिए इसका आंसर 9.09 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा इसका 4। इसका आंसर क्या है आपका 4, मतलब कि 110 इसका आंसर। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है हमारा ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पर आपका ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट गिवन है इतना, ठीक है, 3 लाख करोड़। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट गिवन है 1.5 लाख करोड़। ठीक है, एंड इंटरेस्ट पेमेंट 80,000 करोड़ आपको गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपको बताना है प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू, यहां पर हम लिखते हैं फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। देखिए यहां पर मैंने लिखा कि प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, तो आप बताइए फिस्कल डेफिसिट कितना है, यहां पे देख के बताइए 3 लाख करोड़। ठीक है, ये फिस्कल डेफिसिट है, आप यहां पे लिख लीजिए 3 लाख करोड़। ठीक है, इसमें से हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट रेवेन्यू डेफिसिट है 1.5 लाख करोड़ और इंटरेस्ट पेमेंट हमारा कितना है 80,000 करोड़, तो इंटरेस्ट पेमेंट हमारा कितना हो जाएगा 80,000 करोड़। इसको आप माइनस कर लीजिए तो कितना आएगा, इसको हम लोग माइनस करते हैं 220, यहां पे देखिए करोड़, इसको माइनस करके हमारा कितना आया 2, ये वाला आया हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये आंसर आया हमारे, हमको इसको माइनस कर 3 लाख में 80,000 माइनस के, तो 2,20,000 करोड़ हमारा आंसर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, ये इसका आंसर है 2। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे किसके, यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के मैथ्स के न्यूमेरिकल्स थे, जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस थे, आपको जितने क्वेश्चंस थे उसमें से कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पढ़ना हो या आपको कोई न्यू चैप्टर पढ़ना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट होगा जो मैं पढ़ाती हूँ तो आप उसे भी मुझे बताइए ताकि मुझे पता चले और मैं उसे सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे न्यू वीडियो न्यू चैप्टर के साथ, और मैं मॉर्निंग आफ्टरनून और इवनिंग में क्वीज डालती हूँ, तो अगर आप उसको देखा करिए, वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, आपको बहुत बेनिफिट्स होगा उसको देखने से।